हेलो दोस्तों, आज बनाई है मैंने विदर्भ स्पेशल मिर्ची की भाजी। विदर्भ की ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिश है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसे बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और ये सब्ज़ी ज़्यादातर भंडारे में वगैरह या फिर बड़े जो कार्यक्रम रहते हैं वहाँ पर बनाई जाती है बहुत बड़ी क्वान्टिटी में। तो अभी हम घर के लिए बना रहे हैं, बहुत थोड़ी सी बना रहे हैं। तो ये जो है इसे खट्टी पालक बोलते हैं, तो ये मैंने ली है, इसे आंबट सुखा भी बोलते हैं मराठी में। तो ये थोड़ा सा लगेगा हमें, तो मैंने टेरेस पे मैंने उगाया है, तो वहाँ से मैंने तोड़ कर लाया है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा लिया है और इससे मतलब ज़्यादा पालक है, मतलब पालक से आधा ये जो आंबट सुखा होता है वो हमें लेना है। तो दोनों को मैं अच्छी तरह से धो लिया है, इसे बारीक बारीक हम काट लेंगे। ये जो सब्ज़ी है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे भाकर के साथ खाया जाता है, ज्वारी की जो भाकर होती है, मतलब ज्वारी की रोटी, उसके साथ इसे खाया जाता है। वैसे रोटी के साथ भी खाते हैं, लेकिन भाकर के साथ ज़्यादातर भंडारे में वगैरह भाकर ही बनाई जाती है इसके साथ। तो साथ ही मैंने यहाँ पर एक टमाटर और एक बड़ी साइज़ की हरी मिर्च ली है, उसे भी काट लिया है। साथ ही मैं यहाँ पर एक कप के करीब तुअर की दाल ले रही हूँ और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है, इसे हम धो लेंगे। तो अभी एक कुकर में हमने ये सब्ज़ी को डाल दिया है, साथ ही हम टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे और इसमें ये दाल धोकर जो हमने रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। मूंगफली भी इसी में हमने धोई थी, इसे मूंगफली से इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अभी मैंने यहाँ पर 2 ग्लास के करीब पानी डाला है, आधा चम्मच हल्दी डाली है, इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हमें 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से पका लेना है, ताकि ये जो दाल है पूरी तरह से गल जाए अच्छे से। तो अभी हम इसे गैस पर चढ़ा लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं, इसमें 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, यहाँ पे स्टार फूल है आधा, मेथी है, दगड़ फूल है, कलमी, एक हरी इलायची है, 2 तेज़पत्ता है, नारियल है थोड़ा सा, यहाँ पे 1 चम्मच के करीब साबुत धनिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, हरा धनिया लिया है, प्याज लिया है, नारियल है और मूंगफली है दरदरी सी कुटी हुई, लहसुन अदरक और हरी धनिये की डंठल है। अभी हम नारियल को भून लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने नारियल को डाल दिया है और इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेना है हमें बिना तेल डाले। इसे अभी निकाल लेंगे इस तरह से होने के बाद। अभी हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को भी हमें इसी तरह से भून लेना है अच्छे से ब्राउन होने तक। तो इस तरह से होने के बाद इसे भी हम निकाल लेंगे। अभी हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, ये जो सब्ज़ी है सिर्फ हरी मिर्च से बनती है, मतलब इसमें लाल मिर्च पाउडर वगैरह कुछ ऐड नहीं होता। तो आपको जिस तरह से चाहिए इसका टेस्ट उस तरह से डालिएगा, आप जिस तरह से तीखा खाते हैं उस तरह से। तो इसमें मैंने तेल डाला है और साथ ही सारे खड़े मसाले डाले हैं और इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे और इसे निकाल लेंगे। एक प्लेट में निकाल लेंगे सारी सामग्री को, ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर के जार में डालेंगे। तो मैंने इसकी एक ही पेस्ट बना रही हूँ मैं, क्योंकि अलग अलग अगर बनाएंगे खड़े मसाले और अदरक लहसुन और प्याज की तो थोड़ी सी बन जाती है और मिक्सी में बारीक नहीं होती जल्दी से, तो इस वजह से मैं सारी इसकी एक ही पेस्ट बना रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे अदरक डाला है, हरी धनिया की डंठल डाली है, लहसुन डाला है और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे 1 चम्मच के करीब और इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो पहले बिना पानी डाले, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना ली है इसकी, देखिए इस तरह से। अभी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच के करीब तेल डाला है, बड़ा 2 चम्मच के करीब। इसके बाद सरसों डाली है, सरसों चटकने के बाद ये पेस्ट को डाल देंगे। पेस्ट को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है, ताकि तेल जो है अच्छे से इसका छूटने लग जाए। तो इसे होने में 2 से 3 मिनट तक लग सकते हैं या फिर 5 से 6 मिनट भी लग सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे मूंगफली डाल दी है दरदरी सी कुटी हुई और नारियल के टुकड़े भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी इसको अच्छे से भून लेंगे इन सभी को, सामग्री को साथ में ही। एक तरफ हम देख लेते हैं जो हमने कुकर चढ़ाया था वो अच्छे से हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं आप, दाल अच्छे से गल चुकी है, सब्ज़ी अभी हमारी पक चुकी है। तो अभी हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये जो रवी रहती है इससे हमें इसे घोट लेना है। इस तरह से एकदम फाइन दिखने लगती है अच्छे से पकने के बाद। तो इसी तरह से हमें इसका टेक्सचर चाहिए रहता है, आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है अभी से।
अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा मसाला है तो ये भी अच्छे से भूनकर रेडी हो चुका है। इसका कलर जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी डाली है, एक चम्मच गरम मसाला डाला है और डेढ़ चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे नमक डाला है। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। इन सारी सामग्री को मिक्स कर लेंगे और मिक्सी में जो पेस्ट लगी थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दिया है आधा ग्लास के करीब, और इसे अच्छे से भूनेंगे हम और ढक्कन रख के 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। ऐसा करने से ये जो सारे मसाले होते हैं इसका फ्लेवर अच्छे से रिलीज़ होता है। तो धीमी आंच पे मैंने यहाँ पे 1 मिनट तक पका लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं अच्छे से ये मसाले जो है अच्छे से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं ये जो ग्रेवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है अभी से। अभी ये जो सब्ज़ी है हम इसमें डाल देंगे सारी की सारी, साथ ही 2 ग्लास पानी डाला है मैंने इसमें, इसे मिला लेंगे। और ये जो कढ़ाई में मतलब ज़्यादा हो जाएंगी ये सब्ज़ी, तो मैंने कुकर में इसे फिर से डाल दिया है ताकि अच्छे से उबल जाए ये। तो आप देख सकते हैं अभी फिर से मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी डाला है, तो ये बहुत सारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। मतलब ये मैंने बनाई थी 6 लोगों के लिए। तो आप देख सकते बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन अभी ये पकनी बाकी है। इसे 5 से 6 मिनट तक इसे उबलने देना है हमें। तो मैं यहाँ पे हरा धनिया डाल दूँगी इसमें और ऊपर से ढक्कन रख के इसे हम पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी अच्छे से ये उबल चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है इसी तरह से होती है, मतलब थोड़ी सी पतली सी। तो अभी मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ नमक वगैरह, तो बहुत ही अच्छा है, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी लग रही है खाने में। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर से हरा धनिया और डाला है और इसे सर्व कर लेंगे। तो विदर्भ स्पेशल मिर्चीची भाजी ये जो आज की रेसिपी है ये आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपने कभी इसे ट्राई किया है या फिर कभी खाई है किसी भंडारे में तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।